दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। देश की आधी से ज्यादा आबादी भूखमरी से परेशान है, करोड़ों युवा बेरोजगारी से परेशान है, देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापुरुष नई संसद का शिलान्यास आज कर चुके हैं। तकरीबन 99 साल के बाद 13 एकड़ में 862 करोड़ रुपए की लागत से नई संसद बनने वाली है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। आप सोचिए, आखिरकार इस वक्त देश को नई संसद की जरूरत क्या है? क्या पुरानी संसद इतनी ज्यादा जर्जरित हो चुकी है कि उसमें बैठा नहीं जा सकता? आखिर 862 करोड़ रुपए की लागत से नई संसद बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है मोदी जी? सरकार ने पैसों की कमी के कारण कई सारे मंत्रालयों का बजट जो है वो 40% कम कर दिया है, 40% की कटौती की है सरकार ने, कि पैसा नहीं है। आपके पास में राज्यों का उनका जो हक है जीएसटी का, वो पैसा 2,35,00,000 रुपया आपके पास नहीं है देने के लिए, वो अब भी बकाया है। आपके पास में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नई संसद बनाने के लिए आपके पास पैसा है। किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। आपके गृह राज्य गुजरात में सूरत में एक 21 साल की छात्रा आज जा रही थी कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए, कुछ दरिंदों ने उसको उठाया, उसके साथ में उसका दुष्कर्म किया और उसे सड़क पर फेंक दिया, और आप संसद का शिलान्यास करने बैठे हुए हैं। आप किस तरह के प्रधानमंत्री हैं? आप नेताओं से हाईफाई लाइफस्टाइल को छोड़ने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ आप बड़े बड़े भव्य आपके बीजेपी के कार्यालय बनवा रहे हैं, नई संसद बना रहे हैं 850 करोड़ के खर्चे से। आप कैसे गरीब मां के बैठे हैं मोदी जी? भाजपा के ऑफिस आप देखिए, 7-स्टार होटल नुमा ऑफिस है। नई जो संसद बन रही है वो भी 7-स्टार होटल को पीछे छोड़ दे, इस तरह की संसद आप बना रहे हैं। आप किस तरह के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी? वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जो नई संसद जो बनेगी उसके अंदर लोकसभा भवन में 888 सांसद और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में जो है वो 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे, ये संसद होगी। यानी कि आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में देश में सुधार के नाम पर बहुत ज्यादा गहरी साजिश की जानी है। लोकसभा के जो 543 सांसद हैं अभी, उनकी संख्या बढ़ाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। राज्यसभा के सांसदों की संख्या भी जो है वो बढ़ाई जाएगी। यानी कि ये आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में 700 से ज्यादा सांसद होंगे लोकसभा के इस देश में। राज्यसभा सांसदों की संख्या 300 के पार हो जाएगी। ये तमाम खर्चा भी आएगा जनता पर। और ये सीटें किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, किस तरीके से परिसीमन किया जाएगा, ये हम सभी को हैरान करेगा आने वाले वक्त में। इस बारे में सोचना होगा। मौजूदा जो संसद है
उसको बनाने का काम 1921 में शुरू हुआ था और 6 साल बाद 1927 में यह संसद बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन जो मौजूदा संसद है वो महज 2 साल में बन जाएगी, 2022 में यह संसद बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि आजादी के जो 75 साल पूरे होंगे तब देश में नई संसद होगी। इस नई संसद में सांसदों के लिए बड़े बड़े ऑफिस होंगे, बड़े खूबसूरत से कमरे होंगे, 7 स्टार नुमा यह संसद होगी। यानी कि नेता जो होंगे, जिन्हें मोदी जी कहते हैं कि आप हाईफाई कल्चर को छोड़ दीजिए, उन नेताओं को मौजूदा ऑफिस से बेहतरीन ऑफिस मिलने वाला है। आपको बता दें कि संसद का जो निर्माण कार्य है इसका ठेका जो है वो टाटा को दिया गया है, और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे थे उस वक्त वहां पर रतन टाटा खुद मौजूद थे। बताया जाता है कि नई संसद की बिल्डिंग के निर्माण के लिए CPWD और L&T ने भी जो है वो हिस्सा लिया था ठेका लेने के लिए, लेकिन टाटा ने सबसे कम बोली लगाई, इसलिए इसका ठेका जो है वो टाटा को दे दिया गया, और सबसे कम यानी कि 862 करोड़ रुपया। अब यह भी देखना होगा कि इसमें लागत आगे जाकर बढ़ती है या क्या रहता है, वो बाद की बात है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इस वक्त देश को नई संसद की क्या जरूरत थी। ये जो नया संसद भवन जो है वो केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ये जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसके तहत इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है, जो बड़ा खूबसूरत लगता है, काफी खुला खुला इलाका ये है, यहां पर मोदी सरकार कई सारी बिल्डिंग बनाएगी, यहां पर अलग अलग इमारतें बनेगी सरकारी, और इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार को फटकार भी लगाई है। लेकिन उसके बावजूद शिलान्यास कर देना, शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यहां पर अभी तामीरी काम नहीं कर सकते हो, यानी कि यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं हो सकता है। लगता है मोदी जी जो हैं वो अपने आप को अमर करना चाहते हैं। उन्होंने सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, इसके अलावा वो इस तरीके के काम कर रहे हैं कि जो जनता को उसका कोई फायदा नहीं है। आपने मूर्ति बनाई इतनी ऊंची, क्या जनता को उससे कोई फायदा हुआ? आप नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, क्या जनता को उससे कोई फायदा होगा? तो ये सवाल उठना लाजमी है कि जो असली मुद्दे हैं, देश की जनता को, देश के गरीबों को, देश के युवाओं को जिस चीज की जरूरत है उस पर मोदी जी ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जबकि वो ध्यान दे रहे हैं संसद बनाने पर, वो ध्यान दे रहे हैं सी प्लेन चलाने पर जो कि अब बंद हो चुका है 1 महीने के अंदर ही, वो ध्यान दे रहे हैं राम मंदिर बनाने पर। तो सवाल तो उठता है मोदी जी कि आपकी कथनी और करनी में काफी अंतर है, आप कहते कुछ थे और आप कर कुछ रहे हो, लेकिन ये जनता है, ये सब समझती है और वक्त आने पर ये जवाब भी जरूर देगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।